स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का भूगोल सेशन 2022 और 23 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। चैप्टर पहला है, पहले चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति में भारत की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग भारत का आकार देखेंगे कि भारत का आकार कितना बड़ा है, कितना विस्तार है, भारत के पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में यानी इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई पॉइंट में मिल जाएगा, वहां से आप दे सकते हैं नहीं देखे हैं। और बाकी पार्ट्स जल्द ही अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे, तो समझने में बहुत आसान होगा। चाहे वो ऑब्जेक्टिव सवाल हो या सब्जेक्टिव हो, आसानी से आप परीक्षाएँ दे सकते हैं। आइए वीडियो में बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको भारत का आकार। भारत का आकार अगर देखा जाए तो भारत का आकार जो है विस्तृत रूप से फैला हुआ है। जैसा कि पार्ट वन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भारत का स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर में है, उत्तरी गोलार्ध में भारत है। भारत का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारत का टोटल एरिया का 2.4% एरिया, यानी कि पूरी दुनिया का, अगर पूरी दुनिया 100% है तो उसमें 2.4% भाग भारत है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% कौन है, भारत का हिस्सा है। भारत उतना भी छोटा नहीं है, लेकिन भारत से कई सारे ऐसे देश हैं जो बड़े हैं। तो भारत दुनिया का 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है। 6 ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं। कौन कौन से देश भारत से बड़े हैं? भारत से जो बड़ा देश है वह है ऑस्ट्रेलिया, इससे भी बड़ा है ब्राजील, ब्राजील से बड़ा है चीन, चीन से बड़ा है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़ा है कनाडा, और कनाडा से बड़ा है रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? रूस। और भारत कितने नंबर पर आता है? भारत 7वें नंबर पर आता है। आइए आपको मैप में दिखाते हैं, यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, इनको नंबर दे देते हैं 7वां, क्योंकि भारत दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश में गिनती आते हैं। पहला नंबर पर रूस आता है, तो रूस कहाँ पर है? रूस यहाँ पर है, इन एरियाज में रूस आता है, तो यहाँ पर रूस है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद दूसरा देश कनाडा है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे तो ये ऊपर वाला जो एरिया है ये बन जाएगा कनाडा, और कनाडा जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, तो यहाँ पर अगर एक लाइन खींच देंगे तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका का पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश चीन है, और चीन यहाँ पर है, चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसका नाम है चीन। अब 5वें नंबर पर ब्राजील आ रहा है, यहाँ पर ब्राजील है दुनिया का चौथा, सॉरी माफ कीजिए, 5वां सबसे बड़ा देश यहाँ पर है ब्राजील। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है 6 नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया तो आप लोग देख चुके हैं ये 6 नंबर पर है, और अपना प्यारा भारत आ रहा है 7 नंबर पर। इस प्रकार से दुनिया के 7 बड़े देश आपको मानचित्र में भी दिखा दिए, और दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और भारत कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर है। चीन कितने नंबर पर है? 4थे नंबर पर है। तीसरा सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ पर सबका प्रतिशत लिखा हुआ है कि कितना कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जैसे भारत का क्षेत्रफल 3.28 किस में लिखा है आप देख सकते हैं, प्रति लाख वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाख, यहाँ पर लिखेंगे लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो भारत का मात्र 3 है, 3.28 है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है उसका नाम जो वैल्यू है वो 17 में है, तो 2 डिजिट में है, तो इसलिए भारत कितने नंबर पर आ रहा है? 7 नंबर पर आ रहा है। अगर हम देखें पूरी तरह से कैलकुलेट करें तो भारत का जो है क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो बहुत ही विस्तृत रूप में फैला हुआ है। यूरोप में तो कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत के राज्य के बराबर है, तो इस मुकाबले में भारत का क्षेत्रफल बहुत ही अच्छा है। अब भारत का क्षेत्रफल ही नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि हमें यह देखना पड़ेगा कि भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है। लंबाई चौड़ाई तो पार्ट 1 में बात कर लिए, लेकिन हमें देखना है भारत के पास स्थलीय सीमा कितना है, और दूसरा देखना है कि समुद्र तट कितना है, क्योंकि भारत के पास समुद्र तट भी है और स्थलीय सीमा भी है, तो दोनों हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग स्थलीय सीमा की बात करें, जमीन टू जमीन यानी जमीन से संपर्क कितना क्षेत्र तक फैला हुआ है, तो 1500
यानी 15,200 किलोमीटर तक है, माफ कीजिए 100 बोला गया, 15,200 किलोमीटर तक इसका जमीन से जमीन संपर्क है। यानी ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये जमीन से जमीन संपर्क है, इस और पाकिस्तान के साथ संपर्क बनाया हुआ है, यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ संपर्क बनाया हुआ है, यहाँ से जो है चाइना संपर्क बना करके रखा हुआ है, इन क्षेत्रों से भूटान, माफ कीजिए नेपाल, नेपाल देश संपर्क बना कर रखा है, यहाँ पर नेपाल आएगा और यहाँ पर छोटा सा देश है भूटान, तो भूटान के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, यहाँ पर भी चाइना के साथ संपर्क है और इन क्षेत्रों में म्यांमार के साथ संपर्क है और इन क्षेत्रों में बांग्लादेश के साथ संपर्क है। तो बांग्लादेश के साथ कैसा संपर्क है, बांग्लादेश के साथ जमीनी और जलीय संपर्क भी है। तो जमीनी संपर्क जो है इतने दूर तक फैला हुआ है, टोटल लंबाई अगर आप जोड़ते हैं तो 15,200 किलोमीटर का लंबाई आता है, इसे हम कहते हैं स्थलीय सीमा रेखा। अब चूंकि भारत समुद्र से सटा हुआ है तो भारत के पास समुद्री तटीय रेखा भी मौजूद है, समुद्री तटीय रेखा की अगर हम बात करें 7,516.6 किलोमीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल ये जो समुद्र है इस समुद्र के साथ जो लगती हुई लाइन है इसे हम लोग समुद्री तटरेखा कहते हैं। समुद्री तटरेखे के भी कई फायदे हैं। अब दो चीज समझिए, भारतीय मुख्य भूमि का तटीय विस्तार ये है भारत, और ये जो भारत है इस भारतीय मुख्य भूमि है, ये नहीं भारत का ये मुख्य भूमि है, भारत के पास अलग से दो जमीन है, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर अरब सागर में, यहाँ पर है लक्षद्वीप और यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर है अंडमान निकोबार और यहाँ पर कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है। तो दो अलग से जमीन है, याद रखिए ये दोनों क्या है, अलग से है, और ये जो बीच वाले पार्ट है ये है मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि का जो समुद्र क्षेत्रफल है, क्योंकि इसके पास समुद्र है, कितना है 6,300 किलोमीटर, और अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़े तो वो दोनों मिला के कितना है 1,216.6 किलोमीटर, और जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तब आ जाएगा 7,516 किलोमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गणित कैसे है, यानी कि भारत का सिर्फ 6,300 किलोमीटर है और अंडमान और लक्षद्वीप जो हमारा पास अलग से द्वीपीय देश है, माफ कीजिए द्वीप समूह है, द्वीप समूह जो होता है उसके चारों तरफ पानी होता है तो वहां पर भी तटीय रेखा है, तो उसकी लंबाई कितना है 1,216.6 किलोमीटर, और इस प्रकार से दोनों को प्लस कीजिएगा तो 7,516.6 किलोमीटर आ जाता है। तो ये है भारत की स्थलीय सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा, दोनों ही चीजें आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। याद रखिए कौन सा चीजें अलग से याद रखना पड़ेगा, ये भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितना है 15,200 किलोमीटर लगभग में, और समुद्री तटरेखा कितना है 7,516.6 किलोमीटर। समुद्री तटरेखा में भारतीय मुख्य भूमि का कितना है 6,300 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का कितना है 1,216.6 किलोमीटर। अब थोड़ा और भी देख लेते हैं, भारत कई सारे देशों के साथ सीमा साझा करता है तो कितना कितना किलोमीटर किन किन देशों के साथ साझा करता है यह भी थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको और भी डीपली नॉलेज आ जाए। जैसे कि भारत पाकिस्तान कितना किलोमीटर है, भारत से पाकिस्तान के बीच कितना किलोमीटर का दूरी है, तो यहां पर है 3,323 किलोमीटर की दूरी, 3,323 किलोमीटर, ठीक है 3,323 किलोमीटर की लंबी दूरी भारत और पाकिस्तान के बीच जमीनी साझा करता है। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ कितना बॉर्डर करता है, तो मात्र 106 किलोमीटर की दूरी अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। चाइना के साथ कितना है, चाइना के साथ टोटल है 3,488 किलोमीटर किसके साथ, चाइना के साथ साझा करते हैं। भारत और नेपाल के बीच कितना लंबा जमीन है, तो इनके बीच में है 1,751 किलोमीटर, भारत और किसके बीच में है, नेपाल के बीच में, तो यहां पर साफ साफ लिख देते हैं 1,751 किलोमीटर किसके किसके बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में। अब बात करते हैं भारत और भूटान के बीच में, तो भारत और भूटान के बीच में है 699 किलोमीटर का, भारत और म्यांमार में है 1,643 किलोमीटर का, भारत और बांग्लादेश में जमीन जमीन कितना है 4,096.7 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से है भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई विभिन्न देशों के साथ शेयर करता है।
और टोटल जो जमीनी रेखा है पानी के साथ वो कितना है 7,516.66 किलोमीटर, जिसमें ये जो लक्षद्वीप के पास चारों तरफ जो जमीन है उसको मिला करके और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास जो चारों तरफ जमीन है, जमीनी रेखा लंबाई है उसको भी मिला करके। तो इस तरह से है हमारी जो है स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई और जलीय सीमा रेखा की लंबाई। ये वाला आपको अलग से जानकारी के लिए बताए हैं, आप इसे नोट डाउन करके लर्न भी कर सकते हैं, या तो क्लास नाइन्थ में है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसे अलग से स्क्रीनशॉट लेके नोट करके लर्न कर लीजिए। तो इस पार्ट में मैंने आपको बताया भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई यानी समुद्री तटीय रेखा की लंबाई, भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा है कितना छोटा है, भारत से कौन कौन से देश बड़े हैं और बाकी सारे देश भारत से क्या है छोटे हैं, भारत कितने नंबर पर आता है, भारत सातवां सबसे बड़ा देश है, भारत से सभी बड़े देशों का नाम बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा देश का नाम बताएं, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत 2.4% जमीन रखता है। तो ये था इस वीडियो के बारे में। एक चीज और हमें देखना पड़ेगा कि तट रेखा की अगर हम बात करें तो तट रेखा में यहां पर तो पानी है, समुद्र का पानी, तो कितने दूर तक का पानी जो है भारत का है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिए कितने दूर तक का जो जल है वो भारत का है हमें ये देखना है। तो देखिए भारत का अगर ये जमीनी रेखा है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता ताकि आपको दिखाई दे, तो ब्लैक कर लेते हैं, तो ये है भारत का जमीनी रेखा और इस जमीनी रेखा में कहीं दूर तक आप देख सकते हैं पानी फैला हुआ, ठीक है, ये जो है ये जल है। तो इस जल में कितने दूर तक का जल जो है भारत का है, तो 12 मील तक, जिसे हम लोग 12 समुद्री मील भी कहते हैं, तो 12 समुद्री मील तक का जो पानी है वो किसका है, भारत का है। और इसके इसको किलोमीटर अगर मैं कन्वर्ट किया जाए तो 21.9 किलोमीटर की दूरी आती है, 21.9 किलोमीटर की दूरी किसका है, जो जल होगा वो किसका होगा, भारत का होगा। इसके बाद का पानी किसका है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय जल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल में आप ना ही कुछ कर सकते हैं, ना ही जो है उसमें पेट्रोल, जैसे कि जल से बहुत सारा खनिज निकलता है, बहुत सारा तेल निकलता है, वो सारा चीज़ आप वहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इस 12 मील के अंदर कुछ भी निकलेगा लगभग 30 किलोमीटर के आसपास, तो आप वो किसका होगा, आपका होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कितना दूर तक का जल जो है भारत का है। एक और चीज़ पूछा जाएगा, ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ पर है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, तो ये भारत क्या है, ये भारत यानी ये आप समझिए ये जमीन है, और यहाँ श्रीलंका, श्रीलंका भी क्या है, ये जमीन है क्योंकि यहाँ पर धरती है और इन दोनों के बीच में क्या है, पानी है। तो जब दो जमीन के बीच में, याद रखिए जो दो जमीन है और उसके बीच में पानी है, तो उसे हम कहते हैं जल संधि, क्या बोलते हैं, जल संधि। तो पूछा जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, इसका नाम है पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। तो ये हम लोग सीख के भारत के समुद्री मिल के बारे में है, तो ये अलग से मैंने टॉपिक ऐड किया था ताकि आपको ये समझ में आ जाए। यहां पर ये जो पार्ट है ये खत्म होता है, उम्मीद है आपको सारा वीडियो बेहतर समझ में आया। ऐसे और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस को, और क्वेश्चन आंसर वीडियोज के लिए मेरे अभी क्लासेस डाउट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।